अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोमल कुक्स। आज हम हक्का चाइनीज स्टाइल का चिकन पकौड़ा बना रहे हैं और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं, मैंने 2 पाउंड बोनलेस चिकन लिया है जो कि लेग और थाई का मीट है, और स्पाइसेस में 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, पिंच ऑफ रेड फूड कलर लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड कर लें जस्ट टू ऐड सम कलर। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है और इसके अलावा 6 मैंने लार्ज साइज के ग्रीन चिलीज ली हैं, 4 स्मॉल साइज के ऑनियंस हैं, थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर है, और उसके अलावा 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर लिया है। आप अगर विनीगर नहीं पसंद करते तो आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है और 1/2 कप ऑफ बेसन और 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है। सबसे पहले मैंने चिकन में विनीगर, सोया सॉस और सारे स्पाइसेस को ऐड कर दिया है और अब हम चिकन को 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे और इन द मीन टाइम हम ऑनियंस और ग्रीन चिलीज वगैरह को चॉप कर लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप सब चीज़ों को हाथ से चॉप करना चाहते हैं तो हाथ से बारीक बारीक चॉप कर लें। मैं आज चूंकि बहुत जल्दी में थी तो मैंने सोचा इनको चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। 15 मिनट में अब हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है और अनियंस, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर भी चॉप हो गया है। अब मैं इस चिकन में ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें बेसन और कॉर्न स्टार्च, आप इसको कॉर्नफ्लावर भी कह सकते हैं, वो डाल लेंगे। इन सब चीज़ों के साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, अदरवाइज़ पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बहुत ज़्यादा बेसन वाला मिक्सचर नहीं चाहिए, बस ड्राई ड्राई सा ही मिक्स हो जाए। सॉल्ट वगैरह यानी कि स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है या आप माइल्ड खाते हैं तो उस हिसाब से अपने स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मैं इस तरह से एक एक स्पून भर के डालूंगी और इनको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, उससे ये जल जाएंगे। और इसी तरह बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको डालेंगे। 5 मिनट्स के बाद मैं इनको फ्लिप कर दूंगी, इनकी एक साइड अच्छे से कुक हो गई है। अब ये हमारा अच्छा सा कुक हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी इस तरह से। चिकन पकोड़ा अब रेडी है। ये एपिटाइजर के लिए बहुत अच्छी डिश है, इसको आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कोमल कुक्स। अल्लाह हाफिज़।